Sponsored by Call Bharat, the leading digital marketing company in India. हरदोई घबराए ना ही पैनिक हो, प्रशासन कदम कदम पर आपके साथ है। भ्रम में न पड़ी अनावश्यक ऑक्सीजन सिलेंडर को न जुटाए और न ही घर पर स्टोर करके रखे। एक ऑक्सीजन सिलेंडर से कई लोगों की सांसों को बचाया जा सकता है। आमजन का सहयोग कोविड महामारी से लड़ने में प्रशासन को सबल प्रदान करेगा। सहयोग से जीतेगा हरदोई, हारेगा कोरोना। होम आइसोलेट संक्रमित को घर पर उपलब्ध कराई जाएगी दवा। डीएम हरदोई, दवा किट उपलब्ध कराने का लिया जाएगा फीडबैक। अविनाश कुमार, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, L2 में 50 बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन की सुविधा। डीएम हरदोई, संक्रमित व्यक्तियों के परिवारजन गाइडलाइंस का कड़ाई से करेंगे पालन। डीएम हरदोई, कोविड मैनेजमेंट के तहत 1,550 सर्विलेंस टीम ड्यूटी, 1,306 ग्रामीण और 242 शहरी क्षेत्रों का काम कर रही हैं। सैंपलिंग के लिए 19 टीमें ब्लॉक 2 नगरीय क्षेत्रों में लगाई गई, 21 अन्य टीमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में जुटी। L2 श्रेणी के सभी 100 बेड 24 घंटों में ऑक्सीजन युक्त करा दिए जाएंगे। जिला चिकित्सालय के 168 बेड में से 30 बेडों को नॉन कोविड पेशेंट के लिए आइसोलेशन वार्ड के रूम के लिए तैयार किया जा रहा है। नवभारत समाचार, हरदोई उत्तर प्रदेश से अमित कुमार राठौड़ की रिपोर्ट। जो भी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं, प्रशासन की अपनी क्या सुविधाएं लोगों के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी जनता को अपील करना चाहूँगा कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर जो पेशेंट्स होते हैं वो दवाइयों से जो प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं उससे ठीक हो जाते हैं। जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स होते हैं उन्हीं को अटेंड करने की तात्कालिक रूप से आवश्यकता होती है। तो जनपद में जो हमने कोविड मैनेजमेंट के लिए हमने जो कदम उठाए हैं उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। हमारे यहाँ टोटल ज़िले में 1,549 सर्विलांस टीम लगाई गई हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 1,306 और शहरी क्षेत्रों में 243 टीमें कार्यरत हैं। इसके अलावा सैंपलिंग हेतु 19 टीमें हैं प्रत्येक ब्लॉक पे, और अर्बन पे हमने 2 टीमें लगाई हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हमारी 21 टीमें लगी हैं जो घर घर जाके प्राइमरी कॉन्टैक्ट को ट्रेस करती हैं, साथ ही साथ होम आइसोलेशन पेशेंट्स को मेडिसिन किट भी उपलब्ध कराती है। जो भी होम आइसोलेशन पेशेंट होता है हम उससे कंसेंट फॉर्म भी लेते हैं, और उसमें हम उसमें उनसे ये भी पूछते उनको उससे ये भी लिखवाया जाता है कि उनको दवा की किट उपलब्ध कराई गई कि नहीं, और उसके बारे में हम लोग इसका पूरा रिकॉर्ड CHC पे उपलब्ध रखते हैं। जो मुख्य बातें आती हैं, जो क्वेश्चन करते हैं लोग कि जनपद में ऑक्सीजन की कमी है या कुछ, तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि L2 हॉस्पिटल जो हमारा है जो कोविड के लिए है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। हमारे वहाँ पर कुल 100 बेड हैं जिसमें 50 बेड पे सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, वहाँ पे सिलेंडरों की पर्याप्त व्यवस्था है, और 49 बेड पे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की व्यवस्था है जो कि 93% ऑक्सीजन कंसेंट्रेट करके देता है, सैचुरेट करके। मेल हॉस्पिटल में 158 बेड्स हैं जिसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं 30 आइसोलेशन बेड्स बनाने की। इसके साथ ही साथ कृषि महाविद्यालय में हम 100 अतिरिक्त बेड हमने तैयार कर लिए हैं, वहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था भी करा रहे हैं। जैसे ही वहाँ पर हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था हो जाएगी तो हम वहाँ पर भी पेशेंट्स को जो गंभीर रूप से पेशेंट्स होंगे वहाँ पर भी ये इनको इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ कुछ और अन्य जो इक्विपमेंट्स जो हमें जनपद में आवश्यकता होती है, जैसे वेंटिलेटर्स, तो हमारे यहाँ 38 वेंटिलेटर ज़िले में अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर 78 हैं, बाईपैप मशीन्स भी हैं, HFNC मशीन्स हैं हमारे पास 4, और हमारे पास CT स्कैन मशीन एक जिला अस्पताल में है, और कुछ हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे पास एक डायलिसिस मशीन भी अवेलेबल है जिसमें हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से बात कर ली है। अगर किसी गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति का कोई कोमॉर्बिड पेशेंट को अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैनपावर की कोई कम, मैनपावर की शॉर्टेज के संबंध में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास L2 में पर्याप्त मात्रा में हमने डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक लगाए हैं। कुछ समस्याएं अवश्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आ रही थी, उसको भी हम लोग दूर करा दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे। आप लोगों के माध्यम से जनता से मेरी यही अपील है कि पैनिक ना करें और हम लोग अगर कोई भी संबंध में सूचना चाहिए होती है तो हम लोगों ने एक कोविड कमांड सेंटर भी स्टार्ट कर रखा है जिस पे वो लोग कभी भी कॉल करके सूचना ले सकते हैं। इसमें हमारा प्रयास है कि वहाँ पे हम राउंड द क्लॉक कुछ डॉक्टर्स को भी उपलब्ध करा पाएँ जिससे अगर किसी को कोई परेशानी लगती है तो वो डॉक्टर से भी पूछ सकता है। वर्तमान में जो कोविड कमांड सेंटर है वो प्रत्येक होम आइसोलेशन पेशेंट को कॉल करके उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहा है, उसके स्वास्थ्य के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर रहा है और इसमें टीम हम बढ़ा भी रहे हैं और जनपद स्तर पर सभी तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैनिक ना करें, कोई होर्डिंग की आवश्यकता नहीं है। होर्डिंग करने से आम जनमानस को जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं या कुछ होते हैं उनको उनके लिए जब आवश्यकता पड़ती है तो कहीं ना कहीं जिले में कमी होती है, तो आप सबसे निवेदन है कि कोई होर्डिंग का प्रयास ना करें, अन्यथा हमें संबंधित धाराओं में कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और जो भी प्रयास हैं उसके बारे में हम लगातार जनता को बताते भी रहेंगे मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। और इस महामारी के समय विनम्र अनुरोध है कि प्रशासन का संपूर्ण रूप से सहयोग करें।